हालांकि मुख्य आरोपित विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील कर दिया। आपको बता दें कि लखनऊ के कृष्णा नगर में गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की संपत्ति को सील कर दिया गया। विकास दुबे के भाई ने 297 वर्ग मीटर में मकान बना रखा था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, और उसने संपत्ति का ब्यौरा जांच एजेंसियों को नहीं दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई। पता नहीं क्या क्या हो उसके। चलो जो अब तुम्हारे हाथ में जो जो कराना कल तो अब क्या करो। और सर आखिर फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है, जब वो सब दिखाया था। आप ही क्या दिया गया था। गौरतलब है कि दीप प्रकाश दुबे का भाई विकास दुबे बिकरू कांड का आरोपी था। विकास के साथ मिलकर दीप प्रकाश आपराधिक वारदातें करता था। दोनों ने लखनऊ के एक स्क्रैप कारोबारी से सरकारी नंबर की एम्बेसडर कार हड़प ली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दीप प्रकाश दुबे के पास 30 स्प्रिंग राइफल थी, लेकिन यह राइफल विकास दुबे ने अपने पास रखी थी। बिकरू कांड की रात विकास दुबे ने दीप की ही 30 स्प्रिंग राइफल से पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। वहीं दीप प्रकाश पर लाइसेंसी असलहे के लिए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में कृष्णा नगर और आलमबाग कोतवाली में केस दर्ज है। बिकरू कांड के बाद दीप प्रकाश दुबे कृष्णा नगर के इंद्रलोक कॉलोनी स्थित घर से भाग गया था। पुलिस ने पहले उस पर 25,000 और फिर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। एनकाउंटर के डर से दीपक प्रकाश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस का दावा है कि दीप प्रकाश दुबे का मकान विकास दुबे के अपराध से कमाई हुई रकम से बनाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।